फुटबॉल के दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको सट्टा बाजार में जींद उपचुनाव की क्या भविष्यवाणी की जा रही है। आमतौर पर सट्टा बैन होने के बावजूद हर चुनाव में सट्टेबाजी खुलकर होती है, क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता। यह दो व्यक्तियों के बीच सौदेबाजी होती है, बाकायदा तौर पर पैसे का लेन देन होता है। हरियाणा में जहां सिरसा, भिवानी व हांसी का सट्टा पूरे देश में प्रसिद्ध है, इस सट्टे बाजार में जींद उपचुनाव के उम्मीदवारों की कीमत क्या है, यह आपको बताएंगे। पहले आपको यह समझा दें कि सट्टे में जिस उम्मीदवार की कीमत कम होगी वह जीतता दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे जींद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्डा की कीमत इस समय 1 रुपए के मुकाबले 65 पैसे है। वहीं जेजेपी की उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की कीमत 1 रुपए के मुकाबले 1 रुपए 35 पैसे है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला की कीमत 1 रुपए के मुकाबले 4 रुपए है। और उमेश सिंह रेणु जो इनेलो के उम्मीदवार हैं, उनकी कीमत 1 रुपए के मुकाबले 10 रुपए है। तो दोस्तों, सट्टे बाजार की अगर माने तो कृष्ण मिड्डा विजयी होता दिखाई दे रहा है, वह दिग्विजय सिंह दूसरे नंबर पे हैं तथा रणदीप सुरजेवाला तीसरे स्थान पर हैं। वहीं इनेलो के उम्मीदवार उमेश सिंह रेणु जिसकी कीमत 10 रुपए है, उस पर पैसे लगाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह चौथे नंबर पर अथवा 5वें नंबर पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, 24 घंटे में जींद उपचुनाव का नतीजा आने वाला है, मगर उससे पहले प्रदेश में सट्टेबाजों की नजर में कौन जीत रहा है, उनकी नजर में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। आज इतना ही। नमस्कार।